80 की स्पीड रहेगी और 5 मिनट की। लिखें, कतर की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई और उनमें से 7 का स्वदेश आ जाना एक ऐसी शुभ सूचना है जिससे पूरे देश ने चैन की सांस ली है। इन भारतीयों की सकुशल रिहाई भारत की एक शानदार कूटनीतिक जीत है। यदि इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया जा रहा है तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले दुबई में कतर के शासक से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद ही पूर्व भारतीय नौसैनिकों की मौत की सजा रद्द कर दी गई थी। इसके बाद जब यह माना जा रहा था कि मौत की सजा से बच गए इन भारतीयों को या तो कतर की जेल में लंबे समय तक रहना होगा या फिर उन्हें अपनी शेष सजा भारत आकर काटनी होगी, तब यह सुखद सूचना आई कि उन्हें रिहा कर दिया गया। यह बात तो शायद ही पूरी तौर पर सामने आए कि भारतीयों की रिहाई के लिए किस स्तर पर कैसी गहन कूटनीतिक प्रयास किए गए, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि अपारदर्शी न्यायिक व्यवस्था वाले कतर सरीखे देश से अपने नागरिकों को सकुशल वापस लाना एक कठिन काम था। इस कठिन काम को करके मोदी सरकार ने न केवल अपनी कूटनीतिक क्षमता का लोहा मनवाया बल्कि इस संदेश को नए सिरे से रेखांकित भी किया कि भारतीय नागरिक विश्व में कहीं भी संकट में फंसे हो उनकी सहायता के लिए कोई कसर शेष नहीं छोड़ी जाती। इसका प्रमाण तब भी मिला था जब युद्धग्रस्त यमन और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सकुशल निकाल कर लाया गया था। कतर की कैद से 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों के मुक्त होने की खबर के साथ ही यह सूचना आई कि भारतीय प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के 2 दिवसीय दौरे के बाद दोहा भी जाएंगे। इसका अर्थ है कि खाड़ी सहयोग परिषद के देशों एवं भारत के बीच आर्थिक व्यापारिक संबंध और मजबूत होने वाले हैं। खाड़ी सहयोग परिषद के अधिकांश देशों और विशेष रूप से सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और ओमान से भारत के संबंध पहले से ही मधुर हैं। इन मधुर संबंधों की ही एक वानगी है अबू धाबी में मंदिर का निर्माण। प्रधानमंत्री इसी मंदिर का उद्घाटन करने वहां जा रहे हैं। यह भव्य मंदिर केवल संयुक्त अरब अमीरात और भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों का सूचक ही नहीं है बल्कि इसका भी परिचायक है कि मोदी सरकार योग के बाद भारतीय संस्कृति के अन्य
मूल्यों का भी प्रचार प्रसार इस्लामी देशों में स्टॉप